यदि कहा जाए कि नासा के बिना पूरे विश्व का स्पेस सेक्टर अधूरा है तो ये कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि पूरे विश्व में नासा ही एक ऐसी संस्था है जो कि हर एक तरह के स्पेस मिशनों को पूरी तरीके से एक नए रूप में अंजाम देती है। इसीलिए बाकी स्पेस एजेंसी से काफी ज्यादा अलग है। इसके अलावा नासा के स्पेस मिशन दुनिया के बाकी देशों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत का भी काम करता है। दोस्तों, खास बात ये भी है कि नासा के स्पेस मिशन का एक मार्गदर्शक के रूप में बाकी देशों को किसी भी मिशन में मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आज का हमारे ये वीडियो नासा के आने वाले कई बेहतरीन मिशनों के ऊपर होने वाला है। वीडियो में अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आइए जान लेते हैं नासा के द्वारा आने वाले स्पेस मिशनों के बारे में। नंबर 1, नासा का आर्टेमिस मिशन। नासा का आर्टेमिस मिशन एक भविष्यवादी मिशन है जिसके जरिए चांद को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। दोस्तों, यह मिशन चांद के बारे में हर एक विषय को फोकस करने वाला है। कहने का मतलब यह है कि इससे चांद के बारे में हमें काफी कुछ जानकारी मिलने वाली है। इससे चांद के लगभग हर एक पहलू के बारे में हमें पता चलने वाला है। इस मिशन की एक खास बात ये भी है कि इसमें 6 बड़े बड़े स्पेस एजेंसियां लगी हुई है। इस मिशन की सबसे मेन लक्ष्य चांद पर लोगों को लैंड करवाना है और साथ ही साथ वहां पर एक परमानेंट घर भी बनाना है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मिशन आने वाले समय में कितना ज्यादा पॉपुलर होने वाला है, क्योंकि कई दशकों के बाद आखिरकार फिर से इंसान चांद पर लैंड करने वाला है। इसके अलावा ये मिशन भविष्य में होने वाले मंगल के मिशनों के लिए भी काफी ज्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि चांद के ऊपर बेस बनाने के बाद वहां से ही बाकी के फ्यूचर स्पेस मिशन ऑपरेट होने वाले हैं। नंबर 2, लूनर गेटवे 2025। लूनर गेटवे एक तरह का एडवांस स्पेस स्टेशन होने वाला है जो कि चंद्रमा की ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। दोस्तों, ये लूनर मिशन नासा के कई सारे अहम मिशनों में से एक है। इसमें नासा का ये स्पेस स्टेशन सोलर से चलने वाले एक कम्युनिकेशन हब की तरह ही काम करने वाला है। इसे कई प्रयोगशालाएं और अंतरिक्ष यात्रियों के रहने के लिए कई सारे क्वार्टर्स मौजूद होंगे। इस मिशन को सफल बनाने के लिए अमेरिका, जापान, यूरोप और कनाडा के देश इकट्ठे हुए हैं। इन सभी देशों के स्पेस एजेंसियां इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए अपनी हर संभव प्रयास करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, अगर ये मिशन सफल हो जाता है तब हम आने वाले समय में आसानी से स्पेस ट्रेवल कर सकते हैं। नंबर 3, ड्रैपर लूनर लैंडर 2025 में शेड्यूल होने वाले इस मिशन की बात ही कुछ अलग है, क्योंकि यह चांद के कभी न देखे जाने वाले साइट पर होने वाला है। इस मिशन का मेन लक्ष्य लैंडिंग साइट की भौगोलिक संरचना का पता लगाना है। दोस्तों, लैंडिंग साइट के बारे में खास बात यह है कि इस क्षेत्र में भारी मात्रा में वॉल्केनिक एक्टिविटी को देखा गया है। नंबर 4, ड्रैगन फ्लाई मिशन 2027। नासा का यह मिशन इसके बाकी स्पेस मिशनों से काफी ज्यादा अलग है। कहने का मतलब यह है कि यह मिशन सैटर्न के चांद टाइटन के ऊपर होने वाला है। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये स्पेस मिशन नासा के द्वारा सबसे पहले किया जा रहा है। इसमें एक रोबोटिक रोटर क्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि यह रोटर क्राफ्ट वाकई में एक काफी ज्यादा अनोखा यान है, क्योंकि इसके ऊपर कई तरह के उन्नत उपकरण लगे हुए हैं। वैसे मिशन का मेन लक्ष्य टाइटन की रासायनिक संरचना को समझना व उसके ऊपर संभावित जीवन के स्रोत को ढूंढने का है। नंबर 5, नासा का मंगल मिशन 2027 से 2028। आने वाले कुछ सालों के अंदर ही नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी मंगल से सैंपल कलेक्ट करके पृथ्वी तक लाने के बारे में सोच रहे हैं। इससे रिसर्चर्स को मंगल के बारे में एक तरीके से संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, मंगल के ऊपर इंसान काफी समय से बसना चाहता है, इसीलिए इन मिशनों में हम मंगल के सतह के बारे में भी काफी कुछ पता लगाने वाले हैं। हालांकि मंगल पर आज भी नासा के रोवर मंडरा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी नासा के आने वाले कुछ अद्भुत मिशनों के बारे में। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।